चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, इस शनिवार को यानी कि 5 सितंबर को, इस शनिवार 5 सितंबर को रात 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 2 घंटे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के लिए आप तैयार हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के लिए आप तैयार हो जाएं। इस शनिवार को रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको मालूम है, आप अगर हमारी किसी चर्च के किसी भी व्यक्ति से फोन कीजिए और उससे पूछिए, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, किसी से पूछिए, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह से बात की? वो कहे, हाँ मैंने बहुत बार बातें की प्रभु यीशु मसीह से। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाए? हाँ मैंने दर्शन पाए। क्या आपने स्वर्गदूतों को देखा? हाँ मैंने देखा। कितनी ही बार स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए इधर ये चर्च की सीढ़ियों पे और यहाँ से ऊपर जाते हुए देखा। तो हमारे चर्च के लोग ऐसे आपको उत्तर देंगे। तो इसलिए प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आप भी प्रभु के दर्शन पाएं। ये नहीं कि उस दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी ने दर्शन दे और फिर आप प्रभु यीशु मसीह आपको 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, साल के बाद दर्शन देंगे। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो काम करते हैं तुरंत करते हैं। मरकुस में आप जब देखते हैं, मरकुस की इंजील जब पूरी पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द मिलेगा आपको, वह है तुरंत। तुरंत वहां पर पहुंच गए, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत ऐसा हो गया, तुरंत ऐसा हो गया, तुरंत ऐसा हो गया। तो उसी समय उसी क्षण आप प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ लोग लास्ट में जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे प्रभु से बात कैसे करनी है, क्या करना है, क्योंकि मैं पहले आपको बातें सिखाऊंगा। और इसलिए आप ध्यान रखें, शनिवार को हम लोग मिलकर प्रभु से बातें करेंगे। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे, कोई इसमें कोई शंका नहीं है। और ना ही आप अपने मन में शंका रखें, चाहे आप हमारे साथ उस दिन पहली बार जुड़ रहे हैं या आज हमारे साथ पहली दिन जुड़ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये कह रहे थे, हम तो परमेश्वर को पाना चाहते हैं जिसने जमीन आसमान को बनाया, हम थक गए हैं, हार गए हैं, इधर उधर जा जाकर। तो एकदम जब वो कहते हैं परमेश्वर हमें दर्शन दो, जो भी है जो सृष्टि का करता है, एकदम परमेश्वर से उनके पास आते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह जी उस दिन आपको दर्शन देंगे। प्रभु यीशु मसीह जी आपसे बातें करने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह जी आपको दर्शन देने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आपको तैयार होना है। और इसलिए उस दिन हमारे साथ रहिएगा शनिवार को, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें। स्वर्गीय परमेश्वर जी, हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने पिछले एतवार को कहा कि इस एतवार को आज आप दर्शन देंगे, आप बात करेंगे, लोगों के प्रश्नों को उत्तर देंगे, स्वर्गदूत ने दिखाई देंगे, पवित्र आत्मा बहते जल की नदियों को देखेंगे, अपने घरों में ये परमेश्वर जी आपको चलता फिरता देखेंगे, और अलग अलग प्रकार के विजन दर्शन आप दिखाएंगे कि क्या आप इनके जीवन में करने वाले हैं। आज मैं मांगता हूं आपका दास होता हुआ आज इनके साथ वैसा ही होने दे प्रभु जी। ये लोग दर्शन पाए प्रभु जी आपके। आज मेरे परमेश्वर जी प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, ये आपके दर्शन पाएं, आप इनसे बात कीजिए, इनकी समस्याओं के संबंधी इनसे बात कीजिए, जो ये पूछ रहे हैं आपसे उनका उत्तर दीजिए इन्हें मेरे परमेश्वर जी। आपको ये देखें अपने घरों में चलता फिरता, ये आपके दर्शन पाए परमेश्वर मसीह जी। परमेश्वर मसीह जी पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनसे बात कर लीजिए, ये स्वर्गदूतों को देखें मेरे परमेश्वर जी। प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारे बीच में लोग हैं, सब पवित्र आत्मा के द्वारा
आपसे बातें करें, पवित्र आत्मा जिनसे बातें करें, मेरे परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे बातें करें, जो ये कह रहे हैं वो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, उनके उत्तर दीजिए आज मेरे प्रभु जी, इन्हें दर्शन दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इनके सामने खड़े हो जाइए प्रभु जी, आप जो स्टेज के ऊपर हैं इन्हें दिखाई दीजिए प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्वर्ग की ओर आते जाते दिखाई देने, जो भी ये चाह रहे हैं आज से पूछ रहे हैं, इनसे बातें कीजिए, इन्हें दर्शन दिखाइए मेरे परमेश्वर जी। इसलिए ये सारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ, इसलिए इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। दया कर मेरे प्रभु जी, दया कर परमेश्वर जी, दया कर मेरे परमेश्वर जी। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं जब चर्च में आई तो मुझे अब पता चला कि पिछले संडे पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी कि आज प्रभु दर्शन देंगे, तो मैंने ना इग्नोर सा कर दिया। मैंने कहा ये तो हर संडे ही होता है, हर संडे ही दर्शन मिलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि आज मेरे साथ बहुत अद्भुत होने वाला है। तो मैं बैठी हुई थी, जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई तो प्रभु पास्टर जी कह रहे थे कि प्रभु सबको दर्शन देंगे। पहले ये पास्टर जी ने नहीं कहा था कि प्रभु हमारे बीच में है, उससे पहले प्रभु ने जब ऐसे यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर प्रभु यहाँ से उड़ रहे हैं, जैसे ऐसे एकदम से आके खड़े हो गए, मैं कांपने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो बाद में पास्टर जी कहते प्रभु हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो मेरे को पता चला हाँ प्रभु सच में आ गए हैं हमारे बीच में। फिर बाद में मैंने देखा कि प्रभु का सिंहासन यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगा हुआ देखा। फिर देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं यहाँ पे, वो ना उनके पास एक तुरही सी है इतनी इतनी लंबी, वो बजा रहे हैं प्रभु के आले दुआले, पास्टर जी के पास घूम रहे हैं। और फिर मैंने देखा प्रभु, मैंने कहा मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं जिस 25 दिसंबर से ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ कि मैं बहुत बेचैन थी, उस दिन से प्रभु ने मुझे आज कहा बेटी मैं शांति हूँ, मैं तेरे घर में ठहरा हूँ। प्रभु ने मेरे घर पे ऐसी रोशनी दिखाई, बहुत देर तक वो रोशनी चमकती रही, मैं नहीं समझ पाई कि वो रोशनी क्या थी। पर बाद में प्रभु ने मुझे कहा कि बेटी मैं शांति हूँ और बाद में मैं तेरे घर पे ठहरा हूँ। मैं सोच रही थी कि रोशनी क्या है क्या है, बाद में मैंने देखा हमारे कमरे में प्रभु का सिंहासन लगा है, वहाँ पे प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को दर्शन दिए। जैसे ना सोने की सीढ़ियां परमेश्वर ना उससे उतरे हैं, परमेश्वर के ना व्हाइट ड्रेस पहनी है और परमेश्वर ना कलीसिया में भी चल रहे हैं और ना इतने स्वर्गदूत दिखाई दिए मुझे, प्रभु मुझे स्टेज पे भी चल रहे थे, मैंने प्रभु ने मुझको दर्शन दिए, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत दर्शन दिए। पहले तो आवाज आ रही कि देख तेरे लिए स्वर्ग खुल रहा है और चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिख रहे थे, बीच में रोशनी सी दिखाई दे रही थी और आवाज आ रही थी कि ये देख परम प्रधान परमेश्वर है। और फिर मैं खड़ी हो गई और फिर प्रभु का हाथ आया, मुझे छू रहा है और मुझे कह रहा है कि देख तू मेरी प्रिय बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुझे बहुत बढ़ाने चाहता हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु का अद्भुत दर्शनों के लिए धन्यवाद करती हूँ। पहले मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर परमेश्वर ने मुझे नज़दीक से अपने दर्शन करवाए। प्रभु की ब्लू आईज थी और उसके बाद मेरे को इतनी भेड़े दिखाई दी और उसके बाद बादल गरजते हुए दिखाई दिए और उसके बाद झरने दिखाई दिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की। प्रभु ने आज मुझे भोगतायता से दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ने इन्हें से सीढ़ियों पे आए, ऐसे दुपट्टा सिर पे और लंबे लंबे बाल प्रभु जी के वाइट कपड़ों में आए और आके यहाँ बैठे और यहाँ से फिर सीधे, फिर सिर पे दुपट्टा नहीं था जब परमेश्वर यहाँ से जा रहे थे तो मैं, और इतनी अच्छी रोशनी से मेरे को प्रभु के एकदम बिल्कुल अच्छे से दर्शन हुए, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद साहब नू। मैं जब उत्थे बैठी सी मैनू 3 बजे आई गया, बेटी उठ उठ बेटी, मैं 3री बार ते खड़ी हुई। फिर मैनू प्रभु जी दिखे मेरे घर च, चली फिरदे तुरे फिरदे मेरे घर च, मैनू अखा खुलियां तो भी पास्टर जी कोले तुरे फिरदे देखते सी। मैं पिछे तक चले गई तां भी मैनू प्रभु दिखी जांदे सीगे, अखा खुलियां तो भी मैनू प्रभु जी दिखी जांदे सी, बहुत देर तक दिखे मैनू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां प्रभु जी का।
हालेलुया। आंखें खुली में परमेश्वर मसीह को देखा। कहां पर थे परमेश्वर मसीह? चलते फिरते पे सके, फिर मैनु इत पीछे तक चले गए थे सारे प्रभु, बाल खुले से प्रभु देखते चलते फिरते। सो परमेश्वर मसीह ने खुली आंखों से दिखाई दिए, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ आसपास सारे स्वर्गदूत ही दिखे और बहुत सारे आकाश में से स्वर्गदूत उतरते ही दिखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ स्टेज में बहुत सारे फूल ही फूल पड़े हैं और स्वर्गदूत उसके पास खड़े हैं और उतर के यहाँ पर आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, जैसे पेस्टर के हाथ पकड़ के पेस्टर प्रभु जैसे मेरे सिर पे हाथ रखे, पूरी रोशनी से भरे हुए, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आज सुबह भी, मैं सुबह 5 बजे प्रार्थना करके सोई, जब जैसे परमेश्वर अपने रूप में ऊपर अपने रूप में फिर रहे चर्च के ऊपर पूरी रोशनी के साथ, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु यीशु मसीह ने नीचे मुझे दर्शन दिया और मुझसे बात भी की। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैंने पहले तो देखा भी ये मेरे मन का वहम है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं यहोवा ही बोल रहा हूँ, आप सेवा में आगे बढ़ो। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पास्टर जी के साथ भी देखा, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया सबको जय मसीह की। मैं जब बैठी थी तो जब पहले तो बादल से गरजे, मैंने खड़ी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा मुझे कोई खड़ा कर रहा है हाथ ऊंचा करके, पर मैं खड़ी नहीं हुई। फिर एकदम से जोर से बादल गरजे और मैं खड़ी हो गई। और फिर बाद में जब मैं प्रेयर कर रही थी वहाँ खड़ी हो, तो फुल सारी रोशनी ही रोशनी मुझे दिखाई दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अगली बार मुझे समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। हालेलुया सबको जय मसीह की। मुझे स्टेज पे बहुत बड़ा हाथ दिखा और उस हाथ में जैसे लहू बह रहा है बहुत, और उस लहू से ही पूरा चर्च भर रहा है और हम सब चर्च वाले उसमें डूब रहे हैं। और पास्टर जी दिख रहे हैं इस मेज पे चलते हुए, जैसे पास्टर जी चलते हैं वो प्रभु जी थे पास्टर जी के रूप में, और वहाँ खड़े होते वैसे खड़े होके सबको हाथ दिखा रहे हैं। और मैं वहाँ पे गिर के दंडवत भी किया परमेश्वर को, और मुझे महसूस हुआ कि मैंने प्रभु के पैरों के हाथ लगाए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे घर में दिखे हैं परमेश्वर पास्टर जी के रूप में, जैसे बहुत बड़े बड़े थैले लाए हैं और मुझे अलग से दिया है और बच्चों को भी अलग से दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज बड़ा जलाल परमेश्वर का यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत जलाल परमेश्वर का दिखाई दिया। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि एक अग्नि एक ऐसे घूमती हुई जैसे कि आग आ रही है परमेश्वर की, गोल गोल जैसे घूम के, और जहाँ स्टेज पे आके पास्टर जी के ऊपर ठहर गई है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हर जगह पे आसपास में जलाल जलाल प्रभु अग्नि ही अग्नि दिखाई दी, सबके ऊपर उतरती हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, जैसे यहाँ क्रूस है और क्रूस पर प्रभु चढ़े हुए हैं और उनके सीने से लहू बह रहा है और वो मेरे ऊपर गिर रहा है। और प्रभु ने मुझे दर्शन दिए कि आकाश खुल गया और प्रभु आ रहे हैं। और साथ में मुझे प्रभु ने दर्शन दिया कि स्वर्ग में प्रभु बैठे हैं सिंहासन पर और प्रभु हमारा न्याय कर रहे हैं। पिता धन्यवाद हो, प्रभु जी ने मुझे दर्शन दिया, धन्यवाद। हालेलुया सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि जब पिछले संडे पास्टर जी ने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह आपको अलग अलग तरीके से दर्शन देंगे, तो उस खुशी में कि मेरे को ये हुआ कि बस जल्दी से संडे आ जाए कि मैं प्रभु के दर्शन पाऊँ। तो जब हम आए, तो जब आराधना स्टार्ट हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए। प्रभु यीशु मसीह के चारों राग थी और प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु ने दर्शन दिए। और दूसरी बार जब पास्टर जी ने बोला कि अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे, तो प्रभु ने मुझसे बात की एकदम क्लियर तरीके से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने स्टेज पे मुझे दर्शन दिए, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया सारे ने जय मसीह की, सारे बहन भाइयों को। मेरी गवाही है, अभी मैंने यहाँ पर प्रभु को देखा, इधर बैठा था प्रभु,
यहाँ पर दिखाई दिया मेरे को। मैं आज इतनी पवित्र, मेरे को पता नहीं था मैं इतनी पवित्र आत्मा में भर जाऊंगी। आज मेरे को पवित्र आत्मा से भर के आज मेरे को दर्शन दिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस बहन को कैंसर हो गया था और कैंसर की दवाई चलती रही बीकानेर से, दिल्ली से और बहुत सी जगहों से दवाई चलती रही। और इनके जो सिर के बाल थे वो सारे बाल भी जो थे वो झड़ गए थे इनके सारे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब आए तो हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया इन्हें और अब देखो बिल्कुल चंगे हैं। इनके कैंसर था छाती में, कैंसर था दूध की, था दूध की छाती में था। हाँ, तो यहाँ दूध वाली छाती में कैंसर था और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। भाई के जय मसीह, प्रभु जी के जय मसीह। मैं पहले तो मेरा लड़का सुख के गया, मैं सुखी के दर्शन पाया। दाढ़ी बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ा में मेरे घर में है, तो मैं कहती हूँ कि मेरा लड़का गया, मैं डरती हूँ उससे मेरे के जैसे दिखाई दे रहे। आज मेरे के तीन चक्कर मैं गिर गया, मेरे के होश नहीं है कि क्या क्या मेरे के प्रभु जी आज दर्शन दिए। मेरे के 14 साल से मैं ज़्यादा ही दिन से आती हूँ, बाकी आज जितना मेरे के महसूस हुआ उतना मेरे के कभी नहीं महसूस हुआ। जय मसीह दी, रब दे दास नूं भी जय मसीह दी। जदों मला पास्टर जी प्रार्थना करी जांदे आ मला, उदों प्रभु यीशु मसीह आए ते पास्टर जी दे सिर ते हाथ धर लिया। ते मला इधर सारी कलीसिया जिन्नी भी है इधर स्वर्गदूत मला सारे मला उत्ते उत्ते फिरदे ने, ते उवें मैनूं मला आप दिसी जांदे आ ते पास्टर जी प्रार्थना करदे जांदे आ, मगर मगर पास्टर जी दे प्रभु यीशु मसीह भी जांदे आ। जहां मैं जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और सारे यहाँ पर बहुत से स्वर्गदूत दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। लिया सारे नु जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मैंने इन्ने अच्छे दर्शन दिते कि मैं ना अज जदों का मेरा विआह है मैं उत्ते किराए ते धक्के खानी हाँ। अज मैंने प्रभु कहिंदा बेटी तू घबरा ना, तेनों इन्ना वड्डा मकान लेके दिता मैं, मैनू प्रभु हथ फड़ के ले गया उत्थे खड़ाया। मैं हैरान हो गई, इन्नी वड्डी कोठी जिथे मेरी गुंजाइश भी नहीं, लै भी नहीं सकती मैं, वो मैंने ले के दी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। इस बेटी को ना आज दर्शन हुए परमेश्वर के, और इनके घर पे ना स्वर्गदूत है दिख रहे हैं इनको, प्रभु जी के दर्शन हुए इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सी, मैंने दर्शन देखा कि यहाँ पे पास्टर जी के साथ परमेश्वर खड़े हैं और परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ। मैंने दर्शन हुए नहीं पानी बहुत फुहारे चले खड़े, मैंने दर्शन हुए तेन नहीं थे स्वर्गदूत बैठे दिखे, मैंने दर्शन हुए फिर प्रभु धन्यवाद कर दिया मैं। ते दास जो बोला है भी घर में टोर फिर रहे साढ़े भवन में साढ़े घर च प्रभु यीशु मसीह टोर फिर रहे, दास भी टोर फिर रहे, धन्यवाद मैं कर दिया मैं पिता। हालेलुया, आज मेरे को परमेश्वर का दर्शन हुआ, जैसे यहाँ स्वर्गदूत दिखे मेरे को बहुत सारे और परमेश्वर यहाँ स्टेज पर आए, फिर यहाँ से सावे चलते फिरते देखे वहाँ पे, फिर दोबारा फिर मैंने आए देखे, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर। हालेलुया, इस साइड से पास्टर जी चल रहे ने, पीछे प्रभु हाथ ला के मोढ़े ते खड़े ने, पास्टर प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रभु जी पीछे खड़े ने, मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूं। आज प्रभु ने दर्शन देखा, मैं यहां से जैसे चल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे कंधे पे हाथ लगा कर साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं।